गाइस मैं पहली बार हॉट चॉकलेट पी रहा हूँ और हॉट चॉकलेट पी के मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पिछले 23 साल से ये पी रहा था। मेरी मम्मी रोज सुबह मुझे हॉट चॉकलेट देती थी। हाय गाइस, तो इस ब्लॉग की शुरुआत होते हैं झाड़ू के साथ क्योंकि संडे है आज और झाड़ू मारने का दिन है। और ये देखो गाइस, कूड़ा देखो, एक एक हफ्ता झाड़ू नहीं लगता तो ये ऐसे ही करना पड़ता है। वो सफाई करनी पड़ती है मेरे को सारी, हर हफ्ते संडे संडे को भी तो छुट्टी होती है। कुछ काम नहीं करता मैं बता रहा हूँ। ये मैंने किया आज पूरा, ये वहाँ पे लेके आया हूँ मैं, ये कूड़ा इकट्ठा किया 2-3 दिन का। खाना मैंने बनाया अभी, न्यूट्री के वो बर्तन कितने सारे पड़े हैं, पता नहीं कौन धोएगा। मेरे को लग रहा है मेरे को धोने पड़ेंगे लास्ट में। तो शुरू करते हैं आज ब्लॉग। गाइस मून फोकस, मून। हाँ तो गाइस, मून से याद आया, पिछले व्लॉग को जो आपने प्यार दिया है, जो एंगेजमेंट दी है, उससे तो मेरा दिल ही बहुत खुश हो गया। वो पिछला मेरा बर्थडे वाला नहीं, बर्थडे वाला में तो कुछ भी नहीं आया, बट उससे पिछला डिगिन कैफे वाला काफ़ी लोगों को पसंद आया और काफ़ी उसमें व्यूज़ भी गए हैं, 2,000-3,000 व्यूज़ तो गए हैं। मेरे चैनल के हिसाब से बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं और उस वीडियो के कंपेरिजन में सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, 100-200 एक साथ ही बढ़ गया। आई एम नियर अबाउट 1700, जहाँ मैं 1200-1300 में था। तो तुम कर लो। ये देखो भाई, ये बिल्डिंग मतलब ये 6 महीने में बन गई है पूरी, इतनी तेजी काम होता है गुड़गांव। अभी मैंने कंबल थोड़ा हवा लगाने के लिए रखा था बट हटा देते क्योंकि अब हेड मेरे को ना वो लग रहा है, पाला गिरेगा और एक गीला ना हो जाए। और थोड़े पौधे बाहर रखे हैं ताकि, इंडोर प्लांट्स हैं बट इनको 10-15 दिन में एक दो बार धूप भी देनी चाहिए तो धूप होगी। बाय बाय। ये क्या क्या खा रहे हो आप आजकल? तेरे को कह रहा हूँ, ये क्या खा रहे हो आजकल आप? कैसे निकल रही है, पेट वेट निकल रहा है? खाने में क्या खा रहे हो, इतने हेल्दी से हो रहे हो एकदम। जो मैंने बनाया था ना वही खा रहा हूँ मैं। कुछ नहीं बनाया था गाइस, इसने झूठ बोल रहा है। क्या है क्या? ये 1 घंटा हो गया, ये अभी तक गीला क्यों है? इतना पानी तो नहीं छोड़ के डाल सकता। ये देखो, और गाली कैसे दे रहा तू? मैंने किसको गाली दी? बेस्ट तो तेरे पापा को। तो पंखा चला फिर जाके, ठंड है भाई। क्या है, कब निकलूं मैं बाहर? कहाँ जाना तेरे को? जहाँ मर्जी जाना हो। चले कल के लिए मंदिर सज चुका है, कल सुबह आएंगे हम और दिखाएंगे भाई राम जी आ रहे हैं। गाँव में तो अच्छा लग रहा है, सब ये झंडा लेके घूम रहे हैं, अपने घरों पे भी लगा रहे हैं, दिवाली की तरह सजा दिया पूरा। भी मैं वापसी जाऊंगा तो दिखाऊंगा, सबने सजा दिया और हमने भी झाड़ू पोछा कर दिया क्योंकि कल राम जी आ रहे हैं। अभी तो बस कचौड़ी खाने आए हैं। आज राम जी आ रहे हैं, आ तो गए हैं, बस कल स्टार्ट भी तो जाएंगे। फाउंटेन नहीं चलेगा, जरूरत थी तो फाउंटेन नहीं चला। वो लड़ो है मारो, अभी दूर से तो कबो आ गया ना गाइस। इसको कॉफी की क्रेविंग हो रही थी तो मैं इसको कॉफी पिलाने लाया। इतनी महंगी महंगी चीजें आ जाता ना लेके, घर पे पड़ी हुई है कॉफी, दूध पानी सब कुछ, मैंने इसको पीनी यहीं पे। ओ स्टूडियो खुलने वाला है इधर भी, एंट्री देखो इस मॉल की एंट्री।
इतनी चटक एंट्री है, थंबनेल वाली एंट्री। बता तू स्टारबक्स से कॉफी पिएगा, चाय उससे कॉफी पिएगा। दिस इज अ डीजे स्टेज पे चढ़ के भाई, या फिर डंकिन से पिएगा, बेकर जोवन से पिएगा, सैमसंग से। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। तो नहीं खा रहा ना कुछ भैया? एक रेगुलर कैपेचिनो कर दो और एक हॉट चॉकलेट कर दो रेगुलर। यहाँ पे लिखा है माइंड योर हेड। इनको कोई बताओ माइंड योर लैंग्वेज होता है। गाइज मैं पहली बार हॉट चॉकलेट पी रहा हूँ और हॉट चॉकलेट पी के मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पिछले 23 साल से ये पी रहा था। मेरी मम्मी रोज़ सुबह मुझे हॉट चॉकलेट देती थी। ये क्या है? बॉर्नविटा वाला दूध। कोई रेस्टोरेंट बताओ यार, कोई कैफे बताओ जहाँ बहुत बढ़िया हॉट चॉकलेट मिलता हो। यहाँ तो मतलब बॉर्नविटा वाला दूध ही है। क्या नया लेना क्या फोन करना? देखो मैं हो चुका हूँ तैयार। ये भाई साहब 9 बजे का उठा है, 12 बज चुके हैं अभी तक तैयार। अंदर नारा देसी बाड़ा गम्मा के घर, ये लेट ही कराया अभी मंदिर जाना था। मतलब 12 बजे से पहले चले जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता। खैर क्या कर सकते हैं, अब 1:30 बजे ऑफिस भी है, आज का दिन वाली शिफ्ट हो गई है। रखी दस लवेली सुना सुना आपने? शूटर रखे हैं अपने सरकार, देखो तैयार तो ऐसे हो रहे हैं। हाथ दी ड्रामे हो गए हैं, सुबह 6 बजे से उठा हुआ है, 12 बज चुके हैं, तैयार नहीं हो रहा। मेरी क्या गलती भाई, मैं अपना 10:30 बजे उठा, मैं तैयार होके बैठ गया पिछले आधे घंटे से, आप क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, भीख नहीं लगाऊंगा, तेरे पापा को भेजूंगा, बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, सिर्फ मेरे को देता। और भाई ये मेरे को मंदिर भी लेट कराएगा, ऑफिस भी लेट कराएगा। मैंने झंडे देखो भाई, भगवा झंडे हर जगह लगे हुए, बहुत ही बढ़िया। इधर नहीं लगे, अच्छा महंगा है। जय श्री राम। चलो भाई यहाँ से आ गए।
अच्छा जल्दी जल्दी भाई आगे चलो यार, जल्दी चलो। जय श्री राम। अरे नीचे रख जल्दी, आगे जल्दी चलो, तेज तेज चलेंगे, तेज तेज। क्या पूड़ियां ऐसे दे दी जैसे तो खा तू चार पूड़ियां खा। अभी अंदर की सी जगह घूम चला, अभी आगे कुछ हां बैठने की खाली सी जगह है। गाइस यार ये तो गलत बात है, लेडीज को ये लोग पहले कर दे रहे हैं, हम आदमी लोग प्रसाद में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए था। वैसे पैंट लगी है टेंट में, पता नहीं कहाँ चला है। भाई भीड़ देख ले, फिर भी वैसे ही है थोड़ा बहुत अयोध्या जैसा। ये देखो गाइस दिवाली वाइब्स, 22 है आज और वो क्या बोलते हैं राम जी आए हैं वापस, दिवाली बनी है, हर जगह सजा हुआ है। अभी ऑफिस चलते हैं गाइस। मैं ये गुड़गांव नहीं है, ये मैं लेह लद्दाख में घूम रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होता। तो ये देखो गाइस इतनी ठंड है, इतनी ठंड है ना, मेरे मुंह पे इतनी ज़ोर से ठंड लग रही है, हवा आ रही इतनी तेज। भाई ये दिल्ली NCR नहीं है, गुड़गांव नहीं है, भाई लेह लद्दाख है। बिना बर्फ़ के इतनी ठंड पड़ी, तो ऐसे चल रहा हूँ मैं, तब भी जाके और ग्लव्स लेने पड़ेंगे गाइस, बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा।